देश के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर क्वालिटी में है ज़्यादातर जगह, दिल्ली हो या NCR, दिल्ली के आसपास के इलाके, या फिर लखनऊ जैसे महानगर हो, प्रदूषण को लेकर स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक स्थिति है। और अभी ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दिवाली के आसपास खास तौर से प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ेगा। इस बीच WHO की जो रिपोर्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, उसने काफ़ी परेशान करने वाले आंकड़े जारी किए हैं और उनका कहना है कि बच्चों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो खराब होने का, यानी वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जो WHO के आंकड़े हैं 2016 के लिए, उन्होंने अपनी रिसर्च जो रिपोर्ट जारी की है, वो रिपोर्ट साफ तौर पर ये कहती है कि 225,000 बच्चों की भारत में मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई। और ये आंकड़ा इसलिए ज़्यादा खतरनाक है कि उस पूरे एक साल में पूरी दुनिया में करीब 5,00,000 से थोड़ा ज़्यादा लोगों की मौत, बच्चों की मौत जो है वो वायु प्रदूषण से हुई थी। यानी 5 साल से कम उम्र के हर 5 में से एक बच्चा जिसकी मौत हो रही है वो हिंदुस्तान से है। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, और इसलिए चिंताजनक है क्योंकि बच्चे लगातार वायु प्रदूषण की वजह से बहुत बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उनको सांस से रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, वो उस लेवल पर खड़े होते हैं जिस लेवल पर सबसे ज़्यादा जो है वाहन भी प्रदूषण करते हैं। इसके अलावा जो आंकड़े बताते हैं वो ये है कि जो भीतरी वायु प्रदूषण है, यानी घर के भीतर जो प्रदूषण होता है, उसमें कोई 67,000 बच्चे हैं जिनकी जान घर में, चाहे वो चूल्हा जलने से होने वाला धुआं हो, या अंगीठी आप जलाते हैं उससे है, या दूसरी वजहों से जो प्रदूषण होता है उसमें जान 67,000 बच्चों की, उन 225,000 बच्चों में से 2016 में गई। 60,000 से ज़्यादा बच्चे जो थे उनकी मौत जो है वायु प्रदूषण, जो बाहर व्हीकुलर प्रदूषण है, वाहनों की वजह से होने वाला, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, यानी जो तमाम कारखानों से उसकी वजह से जो प्रदूषण होता है, PM2.5 जिसे कहा जाता है, उनकी वजह से हुई। और इसका कंबाइंड इफ़ेक्ट अगर आप देखेंगे तो 100,000 बच्चों की मौत इन दोनों तरह के प्रदूषण की वजह से मार उन पर पड़ी थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किए हैं। और ये तो बात हमने बताई आपको 5 साल के बच्चों की, लेकिन अगर आप 5 साल से बड़े बच्चों की बात करेंगे 14 साल तक की, तो उसमें भी उस साल 7,000 से ज़्यादा बच्चे थे जो हिंदुस्तान के थे जिनकी मौत हुई। तो समझने की ज़रूरत इस बात की है कि वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा खतरा है जिसके साथ हमें रहना है, और इसको किस तरह से निपटा जाए ये सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे नियम कायदे हैं जिनका पालन करके, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को इस वक्त बंद करवा के, या वाहनों में BS6 फ्यूल जो अब आ रहा है, भारत स्टेज 6 फ्यूल, वो केवल अभी दिल्ली में उपलब्ध है, देश के दूसरे इलाकों में उपलब्ध नहीं है, उसको पूरे देश में उपलब्ध कराने के लिए एक मुहिम चलाई जानी चाहिए, ताकि साफ उसमें सल्फ़र की मात्रा जो है वो काफ़ी कम होती है, यानी 5 गुना कम होती है जो अभी फ्यूल इस्तेमाल जगह जगह हो रहा है उससे। और तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से अच्छी अच्छे वाहनों की मांग करके, और कारखानों में जो नियमों का बेहतर पालन करा के ये वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ये सरकार के ऊपर है और उस पर दबाव बनाने की ज़रूरत है। बने रहिए गांव कनेक्शन में हमारे साथ, और देखते रहिए हमारी वेबसाइट और वीडियोज़।